हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? तो आज हम हमारी DMDF और जर्नी वाली रीडिंग करने वाले हैं लाइक ऑलवेज. सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज सुबह से आई वाज नॉट फीलिंग वेल. तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया जाए. वो वैसे भी हम लोग जो है स्टूडेंट फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया हील करने के लिए, बेटर फील करने के लिए और आप लोगों के लिए अवेलेबल होने के लिए. तो इसके वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अब आ गई हूँ तो डेफिनेटली ज़ोरदार रीडिंग होगी. एक अच्छा सा बेस्ट सी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी आपके लिए. और जो है एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे DM की एनर्जीज और एक जो है DMDF और जर्नी विथ हम लोग के सॉन्ग्स फ्रॉम माय न्यू डेक द डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस इन म्यूजिक. तो आज भी आप लोग के लिए एक चैनल्ड सॉन्ग जो है इस रीडिंग के थ्रू लाने की कोशिश करूँगी. चलिए, तो हम लोग जो है सारे डेक्स यूज़ करने वाले हैं सबके लिए. तो मैं पहले डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी निकालने वाली हूँ. देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आज के दिन पे कैसा फील कर रहे हैं. मे बी आई एम पिकिंग अप ऑन देयर एनर्जीज. तो देखते हैं, बहुत हैवी और यू नो वीक फीलिंग जो है, हैवी एनर्जीज और बर्डन्ड जैसे है शोल्डर्स पे फील हो रहा है. तो मे बी ये उनकी एनर्जी हो सकती है. देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और क्या निकल के आता है आर्केनम डेक से. यस, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आर्केनम से बाहर आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए और हम निकालेंगे. आज हम सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेकअप करते हैं, वही बता रहे हैं मुझे, और डिवाइन फेमिनिन को लेते हैं इसमें और कुछ नहीं. तो चलिए, हम लोग जो है डिवाइन मैस्कुलिन से एक जो है देखते हैं कि क्या निकल के आता है रोमांस एंजल से. और एक टॉप दो कार्ड्स निकल के आना चाहते थे, मैंने सारे ले लिए हैं और एक एक करके करने का मतलब जो है गाइडेंस मिल रहा है आज मुझे. तो वी विल फर्स्ट सी द डिवाइन मैस्कुलिन और फिर डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड्स निकालेंगे और डिवाइन फेमिनिन को देखेंगे. आज ऐसे ही आ रहा है स्टॉर्म वार्निंग. ऑब्वियसली हमारे डिवाइन मैस्कुलिन आर गोइंग थ्रू टावर मोमेंट्स. क्यों? क्योंकि 10 दिखाई दे रहा है यहाँ पे. तो 10-10 जो आया था वो पावर लेके आया था और मतलब जो है 10-10 में जो आया था, अब हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक तूफान लेके आया था. और ये तूफान इसलिए था क्योंकि वो लोग के पास जो है खुद से पावर नहीं आ पा रहा था कि वो अपना खुद का चेंजेस खुद कर सके, और उनको ज़बरदस्ती अब चेंजेस करवाए जा रहे हैं. तो ये आ रहा है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस डोर टू रोमांस उनके लिए फिलहाल रिवर्स में आ रहा है. हैप्पी फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं. ठीक है गाइस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है कमिंग इन फॉर देम. बैलेंस नहीं है उनको बिल्कुल भी इसमें. प्लस जर्नी की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे थे. मे बी वो अपनी जो करंट फैमिली है उसको हैप्पी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे थे, अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. जर्नी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उनका. मे बी रियल नहीं हो रहे थे वो. तो जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दिखाई दे रहा है मुझे. इस वजह से जो है वो अपने फैमिली को प्रोवाइड करना है, फैमिली के लिए अच्छा अच्छा करना है, वहाँ ध्यान था उनका. लेकिन आर्कएंजल शैमुएल जो है, हमारे आर्कएंजल शैमुएल उनके साथ है और हमारे आर्कएंजल शैमुएल जो है उनको हेल्प कर रहे थे उनका हार्ट चक्रा खोलने में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉर्म्स उस 10-10 जो है, क्योंकि उन्होंने अपना डोर टू रोमांस, अपना हार्ट लव के लिए बंद कर दिया था, तो ये स्टॉर्म आना ज़रूरी था जो आर्कएंजल शैमुएल लेकर के आए हैं. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो वो जो चाहते हैं हैप्पी फैमिली, वो यहाँ पे फोर ऑफ ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिर से. फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में वो हैप्पी नहीं है. उसमें भी ना फाइनेंस चल रहा है, ना मैरिज चल रही है, ना अच्छे से लाइफ चल रही है. प्लस उनको दिखाई दे रहा है कि
आप लोग अभी भी जो है उनके लिए लव लेके खड़े हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दो फीमेल्स हैं तो एक पावरमेंट नहीं है और एक जो है लव और रोमांटिक फीलिंग्स और लव अपना शेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग में से बहुत लोग जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को लव ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो और जो है आप लोग उनको मतलब जो है अपने फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हो और जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है उन्होंने डोर टू रोमांस बंद करके रखा हुआ है क्योंकि उनका कोडिपेंडेंसी इश्यूज हील हो रहे हैं अभी। और वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जो भी है उनको बचा के रखने का, क्योंकि वो लोग को आदत है ऐसी चीज़ें करने की, तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो कार्ड्स हैं हमारे पास रिकन्सिलिएशन सोलमेट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ रिकनसाइल ज़रूर करेंगे, आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके पास वो आपको देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह उनको अभी भी अनकंडीशनल लव ऑफर किए जा रहे हो। समझ रहे हैं कि उनको जो है फ्री करना है खुद को कोडिपेंडेंसी से, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। प्लस मुझे लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स एंड गेटिंग टू नो ईच अदर ये आने वाला है आप लोग के लिए इन द कमिंग पीरियड। आप लोग एक दूसरे को जान पाओगे ज़्यादा, एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाओगे, ओपनली बात कर पाओगे। एंगेजमेंट रिवर्स में है, न्यू लव रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ये न्यू लव नहीं है, लेकिन अभी जो है आप लोग को मिलने वाला है वो एक रिकन्सिलिएशन है, एक डिटेल्ड बात है, एक कॉन्वर्सेशन है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कि जो है रियल फीलिंग्स क्या है आपके, वो जानना चाहेंगे, वो रियल लव आपका जानना चाहेंगे क्या है, और रोमांटिक फीलिंग्स है जो आपको, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे वो। पता नहीं क्या डिस्कशन होता है ऐसा, लेकिन मुझे एक आइडिया है कि वो आपकी फीलिंग्स, आपके जो है चीज़ों को, आपके लव को डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्यों आप ऐसा फील करते हो कि हम लोग सोलमेट्स हैं, क्योंकि वो तो फील करते हैं बट वो मतलब अपने मतलब उनको श्योरिटी नहीं रहती है कभी भी, और वो कंफर्म करना चाहते हैं कि क्यों ऐसी फीलिंग आपको है कि हम लोग सोलमेट्स हैं। और ऐसा कोई डिस्कशन जो है बाहर आ सकता है, थोड़ा सा एक फ्लर्ट, एक लाइट रोमांस करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग को एक रिकन्सिलिएशन देने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ है, जो उनकी कार्मिक है, वो तो जो है उनका उनको लव भी ऑफर नहीं कर पाई ढंग से और स्टेबिलिटी भी नहीं। वो जानते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, 2 बार टावर आया है, ये दूसरा टावर कार्ड है यहाँ पे, तो उनके रिलेशनशिप जो भी जो है स्टेबल फाउंडेशंस में नहीं हुआ है बिल्ट, वो तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है, हम लोग को पता रहता है ये, हम लोग ने बहुत बार सुना भी है। तो आप लोगों को जो है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको क्लोज डाउन करके रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आपको घोस्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि अपना जो है अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ये टावर मोमेंट्स के वजह से क्लियरिंग्स आएंगे उनको, और फिर वो आपके साथ जो है ओपन हो पाएंगे इस बात पे। अब जो है हम डिवाइन फेमिनिन का देख रहे हैं, आज बहुत अलग तरीके से ये रीडिंग करने के लिए आई वॉज इंस्पायर्ड, तो डिवाइन फेमिनिन बोलते ही यहाँ पे जंप आ रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है थक चुकी है, एक ये चीज़ जो है एंड करना चाहती है, या तो डोर टू स्पिरिट। मुझे कई कई लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। देखो एंजाइटी का कार्ड बाहर आ गया है ऐसे डेक से, तो उसको लेना ही पड़ेगा। मैं एक मिनट गाइस, एक जमीन पे जो कार्ड गिरा है डिवाइन फेमिनिन के लिए वो ले रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है थिंकिंग वुमेन के बारे में ज़्यादा सोच रही है, उनके कार्मिक के बारे में ज़्यादा सोच रही है। तो व्हाट वी विल डू इज डिवाइन फेमिनिन जो है को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कुछ ख़त्म करते हुए अपने कार्मिक के साथ, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ही क्लोजर चाहती है
क्योंकि उनको लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ है, और क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ बात नहीं कर रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसको चूज किया, क्यों चूज किया, और कहीं ना कहीं जो है यिंग यांग भी बैलेंस नहीं है, तो आपके चक्रास भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं है गाइज। तो आप लोग को अपने ऊपर ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा ये चैनल है ट्विन फ्लेम्स का, ये चैनल में मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स मिलेंगे आपको, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स से तो मेरी बात हो चुकी है जो इस चैनल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपना डोर टू स्पिरिट ओपन करना चाहिए। अगर आपको कुछ ख़त्म ही करना है ना, तो एनजाइटी को ख़त्म करो, ठीक है गाइज। अगर आप लोगों को इतना फियर्स और एनजाइटी और डाउट है अपने कनेक्शन में, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, वो क्या करेंगे आपको जब आप ही डिसबैलेंस्ड हो। अगर आपको ही मतलब अंदर से डाउट आ रहा है, अगर आपको ही अंदर से धुके वाली फीलिंग आ रही है, तो ठीक है, तो फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे होंगे, वो आपको मिरर कर रहे होंगे, या तो आप उनको मिरर कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर कर रहे हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कार्ड है वो रिवर्स में है। जितना भी हर्ट आप फील कर रहे हो, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो गाइज, तो ये भी जो है आप छोड़ के जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो विद द वर्ल्ड कार्ड, आप अपने लिए सोचना चाहते हो, अपना करियर, अपना फाइनेंस। आप लोग का ध्यान अभी जो है अपने से हटकर और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से हटकर कार्मिक पे चला गया है, कि वो कार्मिक के साथ आखिर कर क्या रहे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे, और वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये जो है आपको अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा गाइस, कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो आपके रिकंसिलिएशन का कार्ड टू हार्ट आपके लिए फिर निकल के आया है, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस। एक और कार्ड है जो रिवर्स में निकल के, दो और कार्ड्स है जो रिवर्स में निकल के आना चाहते थे, सेपरेशन एंड प्लेफुलनेस इन रिवर्स। आप लोग ने अपना कनेक्शन इतना हैवी कर दिया है, इतना प्रेशर डाला है उनसे बात करने के लिए कि वो आपसे दूर भाग चुके हैं, और अब आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई अट्रैक्शन नहीं है और इस कनेक्शन को जाने देना चाहिए, लेकिन आप कभी भी कंट्रोल इश्यूज को जाने नहीं दे रहे हो। बट डोंट वरी, सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा और जो है आपको रिकंसिलिएशन और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस का मौका ज़रूर मिलने वाला है, जो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी था, क्योंकि वो आपसे बात करके जो है ये किस्सा जो है ख़त्म करना चाहते हैं। पर आप प्लेफुलनेस नहीं रहा, दोस्ती नहीं रही आपके कनेक्शन में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप दोस्ती बनाए रखो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करो, दोस्त बन के रहने, जब वो वापस आए तो तुरंत ही हाय हम लोग अलग हो गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब चालू मत कर देना गाइस। थोड़ा सा जो है वो आपके हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, आपके दिल की बातें, लेकिन उनको एक लविंग और केयरिंग वे में समझाना बहुत ज़्यादा बेटर होगा। देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो वो फुल स्पीड में आपके साथ ये सेपरेशन ख़त्म करके बात करने के लिए आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है यहाँ पर, कि यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव, आपको इस कनेक्शन के लिए स्टैंड करना है, ठीक है गाइज। लव बहुत है यहाँ पर, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ऐसे प्यार से आप वॉकआउट नहीं कर सकते, ऐसे प्यार से आप कभी भी वॉकआउट नहीं कर पाओगे। तो इस जो डाउट है और जो कंफ्यूजन है और जो ये एंजाइटी है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दे और देखे कि एक्चुअली में सोर्स क्या है इसका, ये आपका है या कहीं और से आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इतनी डिवाइन फेमिनिन जो होती है, इतनी लविंग होती है, इतनी केयरिंग होती है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ट्रू नेचर में रहिए, ठीक है। और उनके आते ही गाइस ये शुरू मत कर देना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वैसा क्यों किया, क्यों मुझे अटेंशन नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है प्लेफुलनेस रखना पड़ेगा, जैसे लाइट एनर्जी में बताना पड़ेगा उनको, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, और अगर अपने फीलिंग्स और बताना है तो ज़रा लाइट वे में बताइएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा उनको, क्योंकि वो फिर जितना जल्दी आए थे उतने ही जल्दी भाग भी जाएंगे। चलिए देखते आपको क्या गाना देना चाहते हैं वो। एक गाना ज़मीन पर गिरा है, तो वही गाना होगा हमारे लिए, तो चलिए हम लोग
जो है वो गाना लेंगे, और वो गाना है मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अब ये जो गाना है हमारा वीर ज़ारा का गाना है जानम देख लो, वो वाला गाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बार बार अपनी याद दिलाने की कोशिश करे, बार बार आपको याद करने मतलब बता रहे हैं कि मैं यही हूँ, ठीक है। और वो कहीं आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, 5D में वो आप ही के साथ है, तो आप जो है ये कनेक्शन कभी एंड नहीं कर पाओगे, और वो बार बार आपको अपनी याद दिलाते रहेंगे। ये बात जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो आपको मतलब जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे सवालों में हूँ, मैं तुम्हारे जवाबों में हूँ, तो वो मतलब आप जो भी उनको पूछना चाहते हो, जो भी उनको बोलना चाहते हो, इन उसका एंड रिजल्ट वही है। तो यही कहना चाह रहे हो है ये, प्लस कैसी सरहद है कैसी मजबूरी, आप वो लोगों को समझ में आ रहा है कि देर इज़ नो जो है ऐसा कुछ भी 3D में नहीं है जो उनको आपके पास आने से रोक सकता है। तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग दिया है आज उन्होंने हम लोगों को, ठीक है। वो बता रहे हैं कि उनको पता है कि आप उनके बारे में कितना सोचते हो, कितना क्वेश्चन डाउट्स में हो आप लोग, वो समझ रहे हैं ये सब। अब जब मुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनिन की ही है, डिवाइन मैस्कुलिन से आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो आपको सही सही बोल रहे हैं कि डोंट डाउट दिस कनेक्शन, क्योंकि मैं हूँ एंड वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप उनसे करते हो। तो चलो आज हम लोग रीडिंग जो है यही ख़त्म करेंगे, और फिर मिलेंगे कल अगली रीडिंग के साथ और कुछ नए के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।